अरे अपने बच्चे को एसी में सुला रही हो, उसे सर्दी लग गई तो? अरे उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। अरे इतने छोटे बच्चे को कोई एसी में सुलाता है क्या? ऐसे ही कितनी सारी बातें हम हमेशा सुनते हैं। तो आइए इसी नोट पे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग एंड फूड। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या हम अपने बच्चे को एसी में सुला सकते हैं? तो जी हाँ, आप अपने बच्चे को बेफिक्र होकर एसी में सुला सकते हैं। बस कुछ बातों का आपको ज़रूरी ख्याल रखना है। तो जब सबसे पहला जो बात है, अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है तो कोशिश करें उसे कम से कम 15 दिन तक एसी के एक्सपोज़र में ना ले जाएं, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अपनी मम्मा के टमी में बहुत ही सिक्योर प्लेस पे होता है, उसे उस गर्माहट की आदत होती है। तो जब वो हमारे इन्वायरमेंट में आता है तो उसे हमें रूम टेम्परेचर में ही रखना चाहिए, तो सडल करके उसे गर्माहट में ही रखना चाहिए। तो डायरेक्ट अगर आप उसे डायरेक्ट एसी के एक्सपोजर में ले जाएंगे तो हो सकता है आपका बच्चा बीमार पड़ जाए, उसे बहुत इरिटेशन हो, वो रो भी सकता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो उसे कम से कम 15 दिन तक एसी के एक्सपोज़र में ना ले जाएं। दूसरा ज़रूरी बात जो है, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, अगर बाहर बहुत ठंड है या बारिश का मौसम है तो उस मौसम में भी आप अपने बच्चे को एसी में ना रखें। उस मौसम में तो एडल्ट्स को भी एसी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहर इतनी ठंड होती है कि रूम टेम्परेचर भी काफ़ी है, उसके ऊपर से हम लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो उसमें एसी की ज़रूरत नहीं है। और जो ज़रूरी बातें हैं वो हैं, अगर आप अपने बच्चों को एसी में रख रही हैं तो एसी का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें, ये काफ़ी एवरेज मॉडरेट टेम्परेचर होता है। एसी का फ़ैन स्पीड भी बहुत मैटर करता है, अगर आपका बेबी 3 मंथ से छोटा है तो फ़ैन स्पीड आप बहुत स्लो रखें, अगर वो 3 मंथ से अबव हो चुका है तो आप मॉडरेट टेम्परेचर पर उसको रख सकती हैं। और जो ज़रूरी बात आपको ध्यान रखने की चीज़ है वो है एसी का वेंट। एसी का वेंट कभी भी बेबी के ऊपर डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, उससे बेबी को सफोकेशन भी हो सकता है, तो जो वेंट है हमेशा आप बेबी के ऊपर से हटा के रखें। और ख्याल रखने की बात ये है, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, कि अगर आप अपने बेबी को एसी में रख रही हैं तो कोशिश करें कि बाहर ले जाने से पहले 4 से 5 मिनट उसे रूम टेम्परेचर में रखें। ऐसा करने से उसे सर्दी गर्मी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी और सर्दी जुकाम होने का भी खतरा बहुत कम रहेगा। एसी के बहुत फ़ायदे भी हैं, आप अगर बहुत गर्मी में रह रही हैं और बहुत गर्मी है तो आप अपने बच्चों को अगर एसी में रखती हैं तो उससे हीट रैश और डिहाइड्रेशन का भी खतरा बहुत ही घट जाता है और बच्चा पीसफुली सो पाता है एसी में। अब अपने बच्चों को बेफिक्र होकर एसी में रखें। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो अद्विक जनवरी बॉर्न है, जब वो पैदा लिया था तो बहुत बहुत ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हमें लिटरली हॉस्पिटल में भी और घर में भी उसे 2 हीटर और 1 ब्लोअर में रखना पड़ा था। लेकिन कम से कम 2 महीने तक हमने उसे बहुत ही गर्म प्लेस में रखा, क्योंकि जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जब जैसे जैसे फरवरी ख़त्म हुआ, 2 महीने के बाद, 2 महीने का जब अद्विक हो गया तब हम उसे एसी में रखना शुरू किए। तब से लेके अभी वो 7 महीने का है, अभी तक वो एसी में ही सोता है, उसे इतनी आदत हो गई एसी में कि वो बिना एसी के सोता भी नहीं है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही सर्दी की, ना ही कोई भी सफोकेशन। तो आप अपने बच्चे को अच्छे से एसी में रख सकती हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।